नमस्कार मित्र बंधुओं, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। दर्शकों, आज का जो हमारा वीडियो है वो अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के जो भी यू नाम वाले जातक हैं, जैसे किन्हीं का नाम उमेश होगा, तो जो यू नाम वाले जातक होते हैं उनके लिए 2024 कैसा रहेगा। 2024 में इनके कैरियर में, नौकरी में, व्यवसाय में, प्रेम संबंध में, घर परिवार में क्या क्या परिवर्तन होगा, सारी बातों को जानने वाले हैं। परंतु उससे पहले आपको वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो के नीचे में अपना नाम कमेंट कर देना है। उसके बाद वीडियो को बड़े ही ध्यान से सुनना है। इस वीडियो के लास्ट में आपके आने वाले समय का एक टोटका है, तो उसे भी सुनिएगा और आजमाइएगा, फ़ायदा होगा आपको। सबसे पहले बात करते हैं आपके कैरियर के बारे में। तो कैरियर के दृष्टिकोण से आपका जो आने वाला समय है वो बहुत ज़्यादा बेहतर और शानदार होने वाला है। अगर आपके कैरियर के क्षेत्र में कोई परेशानी थी, कोई समस्या थी, कोई संकट था, और अगर कैरियर के क्षेत्र में समय का साथ आपको नहीं मिल रहा था, तो आने वाले वर्ष में कैरियर का साथ मिलेगा, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा और आपकी उन्नति बहुत ज़्यादा होने वाली है। आप में से जो भी लोग बेरोज़गार हैं, जिनके पास में काम नहीं है, और वो लोग अगर आने वाले वर्ष में काम करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, तो नौकरी के दृष्टिकोण से समय का साथ मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा और नई नौकरी की प्राप्ति होगी। जो भी लोग पहले से नौकरी करते आ रहे हैं, तो उनको आने वाले वर्ष में नौकरी के क्षेत्र में उन्नति मिलेगा। जो उनका पद होगा तो पद में उन्नति होगी और उनके तनख्वाह में भी बढ़ोतरी की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। आप में से जो भी लोग कारोबारी हैं, जिनका खुद का कामकाज है, और जो भी लोग नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं परंतु किसी भी कारण से अगर नए काम को शुरू नहीं कर पा रहे हैं, तो आने वाले वर्ष में अगर आप नए काम को शुरू करना चाहते हैं तो नया काम शुरू करना चाहिए। परंतु जल्दबाजी में आप कोई फैसला न करें, नया काम शुरू करें, लेकिन शुरू करने से पहले उसके बारे में आप सारी प्लानिंग कर लें, सारी बातों पर विचार कर लें और विचार करने के बाद ही आप कोई भी फैसला करें। ये आपके आने वाले वर्ष में कामकाज के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। और जो भी लोग पहले से कामकाज करते आ रहे हैं, तो उनको आने वाले वर्ष में बहुत लाभ मिलेगा कामकाज के क्षेत्र से, वो आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत होंगे। वैसे अगर आपके प्रेम संबंध की बात की जाए, तो प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी आपका आने वाला समय एकदम शानदार होगा। आप में से जो भी लोग अपने प्रेम संबंध के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं, अपने संबंध को बढ़िया बनाने के लिए अगर आप उतावले हो रहे हैं, तो आपका समय अच्छा है। प्रेम संबंध के मामलों में आपको अपने प्रेमी या अपने प्रेमिका का साथ मिलेगा। और अगर 2024 से पहले आपके प्रेम संबंध में कोई परेशानी थी, कोई समस्या थी, तो उस समस्या का अंत भी आने वाले वर्ष में अवश्य होगा। बस आपको अपने संबंध में अपने साथी के भावनाओं को समझना होगा, उनके विचारों को समझना होगा, ताकि आपके प्रेम संबंध में कोई समस्या नहीं आए। दर्शकों, अगर आपके आर्थिक जीवन की ओर देखा जाए, तो आर्थिक जीवन के दृष्टिकोण से भी आपका जो आने वाला वर्ष है वो आपके लिए पूरा बैलेंस्ड रहने वाला है, यानी कि पूरा वर्ष आपके लिए संतुलित रहेगा। बस आपको अपने फिजूल खर्ची पर थोड़ा सा काबू करना होगा। अगर आप उस पर काबू कर लेते हैं, फिर आपको आने वाले वर्ष में आर्थिक रूप से कोई समस्या नहीं होगी, समय का साथ मिलेगा, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा और आर्थिक रूप से आप बहुत ज़्यादा मजबूत होने वाले हैं। आप में से जो भी लोग पैसों का लेन देन बहुत ज़्यादा करते हों, तो धन के लेन देन में आप सावधान रहें, अन्यथा परेशानी आपको हो सकती है। दर्शकों, अगर आपके स्वास्थ्य की ओर देखा जाए, तो सेहत के दृष्टिकोण से भी आपका समय ठीक रहेगा। आप में से जो भी लोग नशापान करते हों, धूम्रपान करते हों, शराब का सेवन करते हों, तो आने वाले वर्ष में इन चीज़ों को आप त्याग दें, अन्यथा परेशानी का सामना करना पड़ेगा और फिर आपका स्वास्थ्य आपका साथ नहीं देगा। इस विषय पर आपको ध्यान देना चाहिए। दर्शकों, इसके बाद बात करते हैं कि आपको आने वाले वर्ष में क्या उपाय करना चाहिए। तो उपाय बहुत ही ज़्यादा सामान्य है। करना क्या है कि आपको प्रत्येक शुक्रवार के दिन माता दुर्गा की पूजा करनी है और अपने पूजा पाठ से मैया को खुश करना है। अगर आप ये कर लेते हैं, तो आने वाले वर्ष में आपके जीवन में कोई भी समस्या नहीं होगी, समय का साथ मिलेगा और आपका भविष्य उज्ज्वल हो जाएगा। दर्शकों, अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो, तो कमेंट कीजिएगा, सहायता अवश्य की जाएगी। वैसे मुझे उम्मीद है अब तक आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और वीडियो को हर जगह शेयर कर देना है। तो मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।